आप पेपर बताओगे कैसा हुआ आपका ओवरऑल? ठीक ही गया है। आपको इजी पोर्शन कौन से लगे हैं तीनों में? इजी फिजिक्स था। फिजिक्स इजी लगा आपको? फिजिक्स इजी था। और एप्टीट्यूड जो आया वो? एप्टीट्यूड भी इजी था। इजी था, थोड़ा मैथ्स थोड़ा सा टफ था। तो आप जो जेईई मेन हम लोग देते हैं तो उससे लोग कहता है बहुत बहुत हार्ड होता है, ऐसा क्या कहना है आपका? मैथ्स थोड़ा सा हार्ड था। मैथ्स हार्ड था? मैथ्स तो जेईई का भी हार्ड आ ही रहा था पिछले टाइम। नहीं मतलब मैथ्स उससे थोड़ा ज्यादा, उससे भी हार्ड था। अच्छा, तो आप इस सेटिस्फाई हो, कितने स्कोर बने आपके? नहीं सेटिस्फाई नहीं हो तो टारगेट फेज टू करोगे आप? हाँ ऑब्वियसली। तो जोरदार मेहनत करोगे? obviously. और एक और बात बता दो, जो एनसीईआरटी के बेस्ट आते हैं पैटर्न, वो आए हैं या नहीं आए हैं? एनसीईआरटी में पूरा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बिट सेट में? नहीं, जैसा बोलते हैं वैसा पेपर है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड डाल दिया बच्चे से बना नहीं? हाँ, नहीं, obviously ऑब्वियसली नॉर्मल है, बनाया जा सकता है। चलो बेस्ट ऑफ लक फेज टू के लिए।